वेलकम बैक। इस क्वेश्चन ने बोला है एक क्लासरूम, क्लासरूम का डायमेंशन ये दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट 150 जूल पर सेकेंड हीट जो है बॉडी से रेडिएट कर रहा है या रिलीज कर रहा है। क्वेश्चन में 150 वाट बोला है, वाट मतलब जूल पर सेकेंड, ये एक बच्चे का है, एक स्टूडेंट का 150 जूल पर सेकेंड अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड इनटू द क्लासरूम। बोल रहे हैं क्लासरूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और कहता है जब टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, कितना 42 डिग्री, तब क्लासरूम में बच्चे नहीं बैठ सकते, उसके हायर टेम्परेचर के बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम क्लासरूम के अंदर बच्चे नहीं बैठ सकते। तो हम लोग को मतलब बेसिकली ये पता करना है कि कितने समय के बाद टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो देखिए, तो टेम्परेचर को 42 डिग्री सेल्सियस करना है, सी एयर कितना है 7/2 का हीट कैपेसिटी। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये हीट कैपेसिटी मोलर है या फिर पर ग्राम या पर केजी, बट 7/2 आर है ना, ये मोलर, इस फॉर्म में मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही मेंशन होता है, तो इसको हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान के चलते हैं। अब क्यू इज इक्वल मोलर नंबर ऑफ मोल्स इनटू हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर 42 डिग्री है, इनिशियल 27 है, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। So Q will be equal to N C air दिया हुआ है 7/2 R into 15 आएगा आपका temperature difference। ये Q कौन supply करेगा, ये Q, ये जो heat radiate हो ना 150 joule per second, ये supply करेगा। तो heat radiated, Q radiated या Q released बाय स्टूडेंट विल बी, एक बच्चा इतना कर रहा है, टोटल कितने हैं 50, तो 50 इंटू 150 दिस हीट इज रेडिएटेड इंटू द क्लासरूम पर सेकेंड। तो हम लोग मानते थोड़े समय के बाद कितना हो जाएगा, अगर टी टाइम में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हम लोग बोलते दिस रेडिएटेड विल कॉज एयर टू हीट अप, एयर को हीट होने के लिए कितना चाहिए, इतना चाहिए, इंप्लाइज दैट 50 इंटू 150 इंटू टी इज इक्वल एन इंटू 7 आर इंटू 15 बाय टी। तो देखो टी बहुत आसानी से निकल जाना था, प्रॉब्लम कहां हुआ, नंबर ऑफ मोल्स में, ये n क्या है ये तो बताया गया। फिर हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, अज्यूम करेंगे एयर इज आइडियल गैस और उसके लिए PV इक्वल टू nRT होल्ड करेंगे, क्या होल्ड कराना होगा, PV इक्वल टू nRT। सो मोल्स ऑफ एयर इन दिस विल बी P इंटू V बाय R इंटू T। अब प्रेशर कितना है 1 atm, बट हम लोग सबको जूल में कर रहे हैं ना, तो प्रेशर को एसआई यूनिट में मतलब पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे, तो 10^5 पास्कल इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 5 × 10³, तो ये आया 150 मीटर क्यूब, तो ये अपने आप जूल में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर इनटू, इस समय टेम्परेचर कितना है जब पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई किए, 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 300। एन हमारा आ गया, इस एन को यहां पुट कर सकते हैं, उसके पहले यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये एन इंप्लाइज
50 into 150 into T is equal 10 raised to power 5 by 2R into 7R into 15 by 2. R गया, ये 2 तो 4 हो जाएगा, ये 15 को बाहर निकालते हैं, यहां से 10 करते हैं, तो ये आ रहा है T is equal to 7 into 10 raised to power 5 divided by 4, यहां 4 हो गया, divided by 500 into 500, ये second आने वाला है, क्योंकि यहां हम लोगों ने second लिया था, so अब आएगा 7 by 4 into 10 raised to power 5 by 500, अब सिंपल कैलकुलेशन है, इसके अलावा आप बचाई क्या है, तो दिस इज 4 into 5, 20 हो जाता है, 20 करके इसे हटाते हैं, 2000 हो गया, 2000 ऊपर से 3 चला गया, तो देखो 700 by 2 आया, second, so this is equal to 350 second, चलो इतना तो आसान हो गया कम से कम, अब 350 seconds है, आंसर ये भी होना चाहिए, लेट से आंसर मिनट में दिया होगा, तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, मिनट में आ जाएगा, तो T is equal to, लेंथी कैलकुलेशन है और तो कुछ है नहीं, 350 by 60 मिनट, 0-0 गया, तो 5 point something आएगा, 5.9 आ गया, 5.9 मिनट आना चाहिए, ठीक है, अप्रॉक्स 5.9 मिनट, तो टाइम रिक्वायर्ड इज 5.9 मिनट, इतने समय के बाद टेंपरेचर क्लासरूम का 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और बच्चे क्लास में नहीं बैठ पाएंगे।